आपका कोई मौलवी बिल्कुल, बैठा होगा ना, वो क्योंकि ये मौलवी आपको चॉइस नहीं एक देते। एक हाँ एक तारिक जमील है, अब वो हूरों के कद नाप के बता रहा है, हूरों की टांगों के अंदर किसने कितना फिरना है। बंदा पूछे कि यार तूने कहां से पढ़ लिया ये, तुझे किसने ना, अनक्वेश्चनेबली अनकंडीशनली ईमान लाना, वो उन मौलवियों की बातों पर अपने लिए फखर समझते हैं बिल्कुल कि भाई एग्जैक्टली। हम तो बगैर किसी जाने पड़े देखे जो है ना, वो हम आपकी बातों पर ईमान ले आए। हम तो शक, वो अपने आप को ज्यादा ईमान वाला समझते हैं। जी गालिब साहब, ये एक अच्छा, जो काशदीप ने क्वेश्चन भेजा था कि व्हाई मुस्लिम्स कैन नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन इस्लाम, देखिए बात ये है कि तो कुरान में जो पहली दूसरी आयत है वो है जालिकल किताब ला रे बफी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। जब आप इस तरह की आयत कुरान में डाल देते हैं कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, तो बेसिकली आप जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला या जो क्रिटिसिज्म वाला एलिमेंट है वो सिरे से खत्म कर देते हैं आपको। एज मैं अपनी जाती तौर पे मैं इस बात का, क्योंकि मैं आई वॉज बोर्न एज आई वॉज बोर्न एन एथियस्ट देन आई वॉज कन्वर्टेड इन टू अ मुस्लिम, तो मैंने एक मुसलमान की जिंदगी 22-23-24 साल जिंदगी एक मुसलमान की गुजारी, और हमें आए हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो ये चीज रट्टा लगा लगा के पढ़ाई जाती है, इस्लाम ही सच्चा दीन है, दूसरे दीनों में जो है वो गलत, वो क्या कर दिया गया था, उनको तहरीफ कर दी गई थी दूसरी किताबों में, क्यामत तक रहेगा, गलबा आएगा, ये आएगा जो। और आखिर में जब आप किसी मौलवी के पास जाते हैं जिसे कुरान पढ़ते हैं, तो अगर आप उससे कोई क्रिटिकली क्वेश्चन करेंगे ना, तो मौलवी सबसे पहले कहेगा बेटा अस्तग़फिरुल्लाह करो, तुम तो जहन्नमी हो रहे हो ये सवाल करके। तो आपके अंदर जो जो साइकोलॉजिकली आपको इतना भर दिया जाता है कि भाई दुनिया में सब कुछ सुन लेना है, इस्लाम पर कुछ नहीं सुनना आपने, ठीक है। और इस जब ये चीज खत्म हो जाती है आपके अंदर से, फिर आपके अंदर से ऑटोमेटिकली जो बर्दाश्त का मादा है वो भी निकल जाता है, क्योंकि बर्दाश्त का मादा अपने अंदर रखने के लिए लाइफ के साथ साथ कुछ ना कुछ बर्दाश्त आपको करना पड़ता है, जिस चीज के रिलेटेड आपने सारी जिंदगी सुना नहीं और सुनने के लिए तैयार भी कभी नहीं हुए, और तैयार होने के लिए कभी आपने आर्ग्यूमेंट तक को एक्सेप्ट नहीं किया कि यार तैयार होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाता है, जैसे ही आपको कोई कोई बात करता है आप उसको मरने मरना मारने पर तुल जाते हैं, और मरने मारने की जो वजूहात हैं वो अलग से पड़ी हुई हैं, जो इस्लाम की हिस्ट्री खोल के देख लें उसमें और कुछ है ही नहीं, बस ये मरने मरने की बातें हैं कि जो क्वेश्चन करे जो फिर जाए, जो आप यहूदी हैं काफिर हैं ये हैं वो हैं, वो सारी चीजें इस्लाम वैसे ही भरा पड़ा हुआ है इन चीजों से। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बेसिकली आपकी अपब्रिंगिंग के साथ साथ आप में आपके अंदर आती जाती है, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाया लिखाया सिखाया यही जाता है कि भाई सब कुछ सुन लेना है, इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं सुन लेना। और अगर और दूसरी बात, इस्लाम आपके अंदर दो चीजें कूट कूट के भरता है, एक जहालत और दूसरा मुनाफा।